हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट के बारे में तो देखते हैं क्या होता है कम्यूटेटर ब्रैकेट कैसे इसको यूज करने वाले हैं, हम क्वांटम फिजिक्स में तो भाई ये टॉपिक है तो बहुत आसान लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट इंक्लूड है तो भाई आपका मैथ थोड़ा अच्छा होना चाहिए तो भाई मैथ फिजिक्स की भाषा है जिससे आप फिजिक्स को बोलते हो तो थोड़ी बहुत मैथ में आपको आनी चाहिए भाई अगर आपको अच्छे से फिजिक्स सीखनी है तो भाई थोड़ा बहुत मैथ भी अच्छे से आपको आना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का इसका मतलब है कि सपोज हमारे पास कोई दो ऑपरेटर है एक कैप एंड बी कैप अगर हमारे पास कोई दो ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप है और मुझे बोला जाए कि इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालो तो मैं क्या करूंगा उसको इससे दिखाऊंगा ए कैप कोमा बी कैप तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि ये है इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो इससे हमारा आंसर आता है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इस सिंबल को बोलते हैं कोम्यूटेटर जब भी दो ऑपरेटर का कॉम्यूटेटर निकाला जाए तो हमारे पास ये आंसर आता है क्या आता है ए बी माइनस बी ए अगर हमारे पास बी ए दिया होगा बी कोमा ए तो हमारे पास आ जाएगा बी ए माइनस ए बी यहाँ पर जितने भी सिंबल्स हैं सब हमारे ऑपरेटर हैं तो ए बी दिया तो ए बी माइनस बी ए बी ए दिया बी ए माइनस ए बी तो ये हमारा ब्रैकेट तो ये हमारे पास आ जाएगा यदि हमारे पास दो ऑपरेटर हैं ए एंड बी तो उनका कॉमिटेटर ब्रैकेट कैसे दिया जाता है वो दिया जाता है ए बी माइनस बी ए ये सिंपल सी डेफिनेशन है छोटी सी कॉमिटेटर ब्रैकेट की तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉमिटेटर ब्रैकेट का एक हम सपोज ये हमें दिया हुआ है दो ऑपरेटर है ये हमारा ऑपरेटर है ए कैप ये ऑपरेटर है हमारा बी कैप तो हमारे पास फॉर्मुला है कॉमिटेटर ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय ए बी माइनस बी ये हमारे पास फॉर्मला होता है लेकिन आपको जब भी कॉम्युटेटर ब्रैकेट का क्वेश्चन दिया हो तो आपको याद रखना है कि वहां पर आपको साइन ऑपरेट करना है अब साइ ऑपरेट क्यों करना है क्योंकि भाई है, सपोज हमारे पास कोई ऑपरेटर है डेल बाय डेल एक्स तो इस अकेले ऑपरेटर का क्या मतलब है जब तक इसके आगे कोई फंक्शन नहीं लगा कोई फंक्शन साइन ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स नहीं लगा तो खाली ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं होता इसलिए हमें हमेशा पहले तो साइन ऑपरेट करना है अब हमें इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे इस पर पहले साइन लगा देंगे अब हमारे पास कॉम्युटेटर ब्रैकेट का फॉर्मला क्या है ए बी माइनस बी ए तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स एक्स कैप कैप साइन तो ये तो हमने कॉम्प्यूटेटर ब्रैकेट का फॉर्मुला लगा दिया अब इसमें साइन भी दिया हुआ है तो साइन इस पर ऑपरेट होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा डीवाई डीएक्स एक्स साइन माइनस एक्स ऑपरेटर डीवाई डी एक्स अब यहां पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगी ये हमारी बन जाएगी टर्म u इंटू वी वाला फॉर्मला लगेगा यहाँ पर तो यहाँ एकस, एकस, x ऑपरेटर बाहर आ जाएगा पहले ये आज बाई डी एक्स प्लस डीएक्स बाई डी एक्स और साइन हमारा ऐसा कैसा पड़ देगा माइनस क्या जाएगा एक्स कैप डी साइन बाई डी एक्स जब यहाँ पर सोल्व करोगे तो ये हमारा कैंसिल और यहां पर हमारे पास आ जाएगा निकाला हमने और साथ में था साइन और आ गया हमारे पास साइन तो यहाँ से आप सोल्व करके निकाल सकते हो डी वाई डी एक्स और एक्स का हमने कॉम्बिटेटर निकाला तो वो क्या आ गया हमारे पास वन आ गया तो जब भी हमें कॉम्बिटेटर ब्रैकेट दिया हो तो हमें तो एक तो फॉर्मला लगाना है उसका ए बी माइनस बी ए और साथ में एक साइन ऑपरेट करना है खाली ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं होता उसके साथ कोई फंक्शन भी होना चाहिए हमेशा तो साई हमारा एक फंक्शन है यहाँ पर क्या हो रहा था यहाँ पर दो फंक्शन एक साथ बन रहे थे डी एक्स वाई डी एक्स को हम एक नहीं लिख सकते थे अगर एक लिख लेते तो साइन का मतलब क्या रहेगा साइन लगाने का इसलिए पहले साई को ऑपरेट करेंगे उसके बाद सारा सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ गया डी बाई डी एक्स और एस का कॉमिनेटर ब्रैकेट कितना होता है वन होता है अब नेक्स्ट एक्जाम्पल और देख लेते हैं ये भी एग्जाम्पल सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज किया हुआ तो इसको हम नाम देते हैं ए ऑपरेटर ये आ गया हमारा बी ऑपरेटर तो क्या फॉर्मला बनता है हमारे पास हमारे पास आएगा एक्स डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स और क्या करेंगे हम हम क्या कर देंगे हम साइन को ऑपरेट कर देंगे इस पर तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स डी साइन बाय डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स और ये ऑपरेट किस पर हो जाएगा एक्स और साईन पर ऑपरेट हो जाएगा हमारा तो यहाँ से आएगा एक्स डी साइन बाय डी एक्स माइनस अब यहां पर यू इंटू वी वाला फॉर्म लगेगा तो एक्स ऐसे का ऐसा ये आ जाएगा डी साइन बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स और साइन हमारा ऐसा का ऐसा तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास आ गया माइनस साइन तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या था एक्स डी बाई डी एक्स साइन का मान आ गया माइनस साइन तो एक्स डी एक्स का मान कितना आ जाएगा माइनस वन लास्ट स्लाइड में हमने निकाला था डी बाई डी एक्स और एक्स का आंसर आया था हमारे पास वन लेकिन डी बाई डी एक्स और एक्स का आंसर आ गया माइनस वन इसका क्या मतलब है है इसका मतलब है जो ए और बी का ब्रैकेट आया वो माइनस होता है बी और ए के कॉमिटेटर ब्रैकेट से तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी है आप याद रख सकते हैं अगर हमें ए और बी ब्रैकेट का मान पता है और हमें बी और ए के कॉमिटेटर ब्रैकेट का मान निकालना है तो हम सीधा माइनस कर देंगे हमारे पास सेम आंसर आएगा तो ये एक्साम्पल है इसमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है एक्स और पीएक्स दिया हुआ है पी एस से हमारा लिनियर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस आयटा एच कट डेल बाई डेल एक्स सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इस पर साइन ऑपरेट करेंगे विदाउट साइन ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं है हमारे तो साइन ऑपरेट कर दिया हमने अब इसको जब सोल्व करेंगे कॉम्बिनेटर ब्रैकेट को तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स पी एक्स साइन माइनस और साइन यही होता है ना हमारा ए बी तो ये हो गया ए ये हो गया बी और साइन हमने ऑपरेट कर दिया तो सबके फॉर्मुले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स पी का फॉर्मुला होता है माइनस आयटा कट डेल बाई डेल एक्स

से क्या हो जाएगा ये टर्म ये पहली टर्म और ये टर्म ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा साइन और साथ में आ गया आईटा एच कट तो हमारे पास क्या आंसर आ गया हमारे पास आ गया एक्स पी एक्स साइन का मान आ गया हमारे पास आईटा एच कट साइन तो यहां पर अगर हमें सिर्फ x और px का मान लिखना तो वो हमारे पास आ जाएगा आ एच तो ये बहुत है, जब भी हमें पोजिशन और मोमेंटम का जब भी हमारे पास दो ऑपरेटर का है, उसका रिवर्स ऑर्डर में पूछा है तो आंसर माइनस में हो जाता है तो आंसर आ जाएगा माइनस आयटा बाई एच कट भाई कॉम्बिटेटर ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है पहली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी ली कि हमारा जो भी कॉम्बिटेट होता है वो एंटी होता है का मतलब जो हमारा ए और तो b का कम्यूटेटर आया था वो माइनस में होता है किसका b और a के कम्यूटेटर के सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी लीनियरिटी लीनियरिटी का मतलब क्या है सपोज हमारे पास एक से ज्यादा ऑपरेटर दिए हुए हैं सपोज हमारे पास तीन ऑपरेटर आ जाएं a, b c तो हम इनको इंडिविजुअली ऑपरेट कर देंगे मतलब हम क्या करेंगे पहले a और b का लिख लेंगे प्लस साइन था तो प्लस लगा दिया फिर a और c का लिख लेंगे प्लस साइन लगा देंगे ए और डी का लगा देंगे तो हमारा कम्यूटर क्या है इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जितने भी ऑपरेटर होंगे यहां पर गया गया लगते जाएंगे मतलब बी था तो बी के साथ लग गया फिर सी के साथ लग गया फिर डी के साथ लग गया तो यह प्रॉपर्टी को नाम दिया गया लीनियरिटी प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है भाई चीजों का मंट जाना आपस आप में तो यहां पर सपोज हमारे पास तीन ऑपरेटर ए बी एंड सी तो हमें ऑपरेट कर रहे हैं किस पर ए का ऑपरेट हो रहा है बी और सी के मल्टीप्लाई पर तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको याद रखने का ट्रिक है सिंपल सी भाई अगर हमारे पास देखो यहां पर सी बाद में है तो हमने क्या किया सी को बाद में लिखा और A और बी का कॉम्बिटेटर निकाल लिया बी हमारा पहले था तो बी को हमने पहले लिख लिया और ए और सी का निकाल लिया। जो पहले था उसको पहले लिखना है जो बाद में था उसको बाद में लिखना है और जो बच गया उनका ब्रैकेट निकालना है इसी तरह अगर सपोज हमें ए बी और सी का निकालना हो, तो यहाँ पर ए पहले है तो ए को हमने पहले निकाल लिया बच के उन गया बी और सी तो बी और सी कामिटेटर बी हमारा बाद में है तो बी को हमने बाद में लिखा और निकाल दिया कॉमिटेटर किसका ए और सी का इस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी भाई हमारी जैकोबी आइडेंटिटी तो इसमें क्या होता है सपोज हमारे पास तीन ऑपरेटर है ए बी सी और साइक्लिक ऑर्डर में उनका कॉम्बिटेटर निकाला गया साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है सपोज हमारे पास ए बी सी तो साइक्लिक ऑर्डर का मतलब मैं लिखूंगा ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी इसी क्रम में ये यहां पर लिखे गया हमारे पास क्या ए फिर बीसी का कॉम्बिटेटर बी फिर सी ए का कॉम्बिटेटर सी देन ए बी का कॉम्बिटेटर और साथ में तीनों का कामिटेटर निकाला गया इन तीनों को जब भी आप सम करते हो तो हमारे पास आंसर हमेशा जीरो आता है किसी भी ऑपरेटर के लिए आप ट्राई कर सकते हो आंसर हमेशा जीरो आएगा जब भी तीन ऑपरेटर दिए हैं और साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे अरेंज किए गए हैं तो उनका आंसर जीरो आता है जिसको नाम दे दिया जैको भी आइडेंटिटी अब आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी का कोई नाम नहीं है ये सिर्फ मैथमेटिकल कंक्लूजन से निकले सपोटर है ए और सेकंड ऑपरेटर बी है जिसकी कोई पावर दी हुई है एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे सकते हैं सपोज हमारे पास कोई दिया हुआ है एक्स पी पी क्या मोमेंटम ऑपरेटर उसकी कोई पावर दे रखी है तो हम क्या करेंगे उस पावर का एक तरह से डिफरेंशिएशन कर देंगे बी एन है तो हम क्या लिख सकते हैं उसका डिफरेंशिएशन एन बी एन माइनस वन और जो बचा उसका डेरिवेशन अगर यहाँ पर पी स्क्वायर होता तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू और हम क्या करेंगे एक्स और पी उसका कॉम्बिनेटर इसी तरह अगर हमें सपोज पहले वाले की पावर दियो तो भी सेम आंसर आएगा हमारे पावर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ये आ जाएगा एन ए एन माइनस वन जो बचा वो आ जाएगा कम्युटेटर ब्रैकेट में तो भाई फिर आती है हमारी कोम्यूट प्रॉपर्टी भाई कॉम्यूट का क्या मतलब है जब भी हमारा कोम्युटेटर ब्रैकेट का मान जीरो आए हमारे पास दो ऑपरेटर थे ए और बी हमने उसका क्या किया हमने निकाला उसका कॉम्युटेटर ब्रैकेट और उसका आंसर अगर जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे कि दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कोम्यूट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है भाई कोम्यूट का हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए बी माइनस बी ए ये होता है हमारा कोम्यूटेटर ब्रैकेट का आंसर अब ये जीरो मतलब क्या है ए बी इजल टू बी ए तो जब भी हमारे पास ए बी बराबर बी हो तो हम उसको बोल सकते हैं कि कम्यूट कर रहे हैं या अगर हमारा कमिटेटर ब्रैकेट का आंसर जीरो हो तो भी हम बोल सकते हैं कि वो ऑपरेटर कोम्यूट कर रहे हैं आपस में फिर आता है भाई हमारा एंटी कोमिटेटर एंटी कॉमिटेटर क्या है भाई एक कोमिटेटर का एक तरह से उल्टा हो गया कॉमिटेटर को हम इस ब्रैकेट से दिखा रहे थे और हम क्या कर रहे थे उसमें माइनस साइन लगा रहे थे ए बी माइनस बी ए यहां पर जब भी हम एंटी कॉम्युटेटर पढ़ेंगे तो इसको करली साइन से दिखाते हैं मंजला ब्रैकेट जो बोलते हैं और इसमें प्लस साइन आता है ये फॉर्मले का नाम दे दिया गया एंटी तो भाई अब कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं गुस्से है नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में साथ में ट्राई करते हैं इसमें क्या हमें देखा है हमें कॉम्प्यूटेटर निकालना है किसका एक्सक्वेयर और पी का इसमें आप वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो ए एन इंटू उस प्रॉपर्टी का कर यूज करके इसका आप आंसर निकाल सकते हो बिकॉज यहां पर स्क्वेयर देखी है तो यहां पर सोल्यूशन क्या होता है एन ए एन माइनस वन ये होता है ए कोमा बी तो आप इसका सोल्यूशन यहाँ से निकाल सकते हो फिर हमारे पास क्वेश्चन है एक्सक्वेय पी स्क्र ये भी आप ट्राई कर सकते हैं तो ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें पावर दी हुई है तो पावर वाला फॉर्मला आप यूज कर सकते हो यहाँ पर इसी तरह हमें देखा है एक्स और साइन एक्स तो सिंपल है ये ऑपरेटर ए है ये ऑपरेटर बी है कमिटेटर का फॉर्मला लगाओ आंसर आ जाएगा फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट डेल बाय डेल एक्स एफ एक्स इसको भी आप उसी तरह से सोल्व कर सकते हो ये ऑपरेटर ए है ये ऑपरेटर बी है का फॉर्मला लगाओ आंसर आ जाएगा इसी तरह हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है पी एस पी वाई दोनों दो ऑपरेटर दो हैं ए और बी फॉर्मला लगाओ आंसर आ जाएगा हमारे पास तो भाई बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत